मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरपी सिंह। उम्मीद हुआ कि आप लोग मस्त होंगे। ये सब मैं एक सूचना लेके आपके लिए आया हूँ। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि यूपीपी का एग्ज़ाम सकुशल हो चुका है और इसकी प्रक्रिया मात्र 3 से 4 महीने पूरी संपन्न कर ली जाएगी। योजनाएं बनाई जा रही हैं, जैसे सूचना मिली है, तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर में दौड़ इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मात्र आप लोगों के लिए 2 से 2.5 महीने का समय आपके हाथ में है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग, जिन बच्चों का बॉय अगर आप हैं और जनरल में आप हैं और 100+ क्वेश्चन आपने किया है, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप OBC हैं, 95 आपने किया है, तो आप भी अपनी दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। और ST SC वाले बॉय में हैं, तो 90 वाले भी दौड़ स्टार्ट कर दें। वही काम गर्ल्स में भी है। गर्ल्स में अगर जनरल वर्ग की हैं, तो 95 वाले दौड़ शुरू कर दें। अगर आप OBC से हैं, तो 85 वाले भी दौड़ शुरू कर सकते हैं। गर्ल्स विशेष ध्यान दें, ये इनके लिए 1.5 से 2 महीने का समय है। और 1.5 से 2 महीने में आप दौड़ नहीं निकाल पाएंगे अगर आपने कभी करने दौड़ा है तो। इसलिए विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। जिन बच्चों, जिन लड़कियों का जो है 90+ एकदम एग्जैक्ट सही है, वो आंसर की का इंतज़ार न करें, नहीं तो वरना वही एक गलती हो जाएगी और बहुत मायूसी का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए लड़कियों से उम्मीद है कि वो लोग मॉर्निंग में कम से कम मॉर्निंग वॉक ही स्टार्ट कर दें। नहीं, कुछ ना कुछ हलचल करिए आप लोग रनिंग के प्रति। खास करके लड़कियां इस बात का विशेष ध्यान दें। जनवरी तक, दिसंबर के लास्ट तक वैकेंसी पूरी तरह से फुल कर दी जाएगी और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। जनवरी में फिर 40,000 नए पदों का आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। तो यही हमारी विशेष सूचना थी। आप इस बात को अमल करिए और आंसर की बस जल्दी ही जो है 7-8 दिन में आपको जारी कर दी जाएगी। आप आंसर की से भी मिला सकते हैं और वैसे भी पेपर के बारे में सभी को पता है कि आंसर सही है। 2-4 प्रश्नों का हेर फेर हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जैसे जो कि बोर्ड क्या कर मानता है कि इसका क्या आंसर सही होगा। ठीक है, अनुमान तो सबको पता चल चुका है। गर्ल्स अगर 80+ वाले हैं OBC के दौड़ स्टार्ट करें। ST SC वाले 75+ हैं तो भी दौड़ स्टार्ट कर सकते। पिछले साल का रिकॉर्ड है कि गर्ल्स दौड़ ही नहीं पा रही थी और बार बार कट ऑफ को नीचे करना पड़ रहा था। अगर कट ऑफ नीचे कर दिया जाएगा और आप नहीं दौड़े रहेंगे, तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। पहली कट ऑफ पहली बार में जो है 90+ चली जाएगी गर्ल्स की, उतनी गर्ल्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी, तो कट ऑफ गिरा के आपका भी नंबर आ सकता है। इसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कोई हानिकारक तो है नहीं। आप दौड़ते रहिए, फ़ायदा आपका ही होगा, ठीक है। इसलिए समय का फ़ायदा उठाइए, अब मौका का फ़ायदा उठाइए, वरना इससे आसान पेपर अब कभी बनने वाला नहीं है। जैसा कल से देख रहे हैं आप लोग, 5 सितंबर से जो है SSC GD कल से फॉर्म भरा जाएगा। जो बच्चे इच्छुक हैं वो अपना कल से फॉर्म फिलअप करेंगे। और जो है कि मेन मुद्दे की बात है पढ़ाई की, आप पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। अपना जो लोग पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करना स्टार्ट कर सके। अगर क्लास नहीं कर सकते हैं तो घर पे ही नोट से रिवीजन स्टार्ट करिए, या अभी डाउट कुछ रह गया है तो क्लास करके डाउट को दूर कर लीजिए, क्योंकि ये सुनहरा मौका फिर दोबारा वापस लौट के आने वाला नहीं है आपके लिए। वैकेंसी तो हमेशा आती जाती रहेगी, लेकिन जो है आपकी एज समाप्त हो जाएगी तो फिर दोबारा वैकेंसी आपको मिलेगी नहीं। इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात का कि तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बैठ के इंतज़ार मत करिए कि फॉर्म आएगा, प्रवेश पत्र आएगा, डेट निकलेगी, तब हम पढ़ाई करेंगे। वहीं पर बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में भी हम लोग बैच स्टार्ट कर दिए हैं SSC GD और UPP RPF के नाम पे, ठीक है। तो उसका जो ध्यान दीजिए आप लोग।